नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार आपका स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब तैयारी यूट्यूब चैनल पर, वेदांगा इंस्टीट्यूट पर। जी हाँ दोस्तों, आपके काफी मैसेजेस आए कि सर हमारे लिए प्लीज ऑफलाइन बैच लाएं। ऑनलाइन हम आपसे पढ़ चुके हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अगर सबसे ज्यादा ऑनलाइन बैचेस पूरे मुखर्जी नगर, पूरे इंडिया में अगर आप लोग लिए हैं, लोगों ने स्टूडेंट्स ने इतना प्यार दिया है, तो आपको आश्चर्य होगा वो हमारे ही है। और इस चीज का मतलब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और ना ही हम किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को डिफेम कर रहे हैं ये बात बोलकर, लेकिन आप मान के चलिए कि बहुत लोगों का प्यार है हमारे साथ इंस्टीट्यूट पर, यूट्यूब पर। इंस्टीट्यूट पर नहीं है तो यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं। आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि सर प्लीज ऑफलाइन बैच ले आइए, ऑफलाइन कोई नहीं पढ़ा रहा ईपीएफओ में, तो ऑफलाइन आपके लिए ले आए हैं क्रैश कोर्स 60 डेज का। और आप ये मत सोचिए क्रैश कोर्स है तो क्या दो दो घंटा एक एक घंटा पढ़ाकर हम घर चले जाएंगे। जी नहीं, यहाँ पर आपको सर एक्सप्लेन करेंगे कि आपको फुल टाइम दिया जाएगा, यहाँ पर फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ाया जाएगा। हमारे डायरेक्टर साहब जिनके साथ हम एसोसिएट हुए हैं वेदांगा इंस्टीट्यूट पर, वो सारी डिटेल्स आपको बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ाया जाएगा। एपीएससी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी आप मिस मत करना। आपके लिए इतना संघर्ष कर बेस्ट फैकल्टी हम जो है चुन चुन कर आपके लिए लाए हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम से आप बिना मेंस दिए आईएएस के इक्विवेलेंट पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो इनिशियल पे है और आईएएस की जो इनिशियल पे है वो बिल्कुल सेम है। चार साल में आपका फर्स्ट ग्रेड पे भी बढ़ जाएगा, बहुत ही हल्के में नहीं लेना है, एक टैग लग जाएगा आपके पास कमिश्नर का। ये ऐसी पोस्ट है जिसमें आपके पास क्वेश्चन जुडिशियल पावर्स आ जाती है, आपके पास जुडिशियल पावर्स आ जाती हैं। जी हाँ, आप जुडिशियल डिसीजंस ले सकते हैं। तो इतनी सारी पावर आ रही है, न्यायिक शक्ति आ रही है, कमिश्नर का टैग लग रहा है, तो उसको आपको हल्के में नहीं लेना है। इसी वजह से सबसे अफोर्डेबल बैच लाए हैं। सर आपको प्राइस डिटेल्स, आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे इस बारे में। और लास्ट ईपीएफओ का बात करें तो सबसे ज्यादा हमारी टीम के ही सिलेक्शन हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन जिन टीम के साथ मैं जब भी एसोसिएट हुआ हूं, सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमने दिए हैं, रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन दिए हैं। और इस बार टारगेट है कि 577 में से 500 सिलेक्शन हम किसी भी हाल में कराएंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का और बैच का पूरा डिटेल्स सर आपको बताएंगे। तो मैं सर आपको इनवाइट करना चाहूंगा, सर प्लीज बच्चों को सारी डिटेल्स एक बार बता दीजिए। और आपके सामने है समीर सर, वेलकम सर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा सुधांशु सर ने आपको बताया है, हम लोग एक ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं ईपीएफओ का। और ये जो बैच होगा, ये आपका जो टाइमिंग हम लोग रखेंगे 12 बजे से लेके 8 बजे तक, 12 बजे से 3 बजे तक आप लोगों का क्लास प्रोग्राम होगा, जिसमें 1.5 घंटे का एक क्लास होगा, 1.5 आवर्स का एक क्लास होगा, फिर आपका 1.5 आवर्स का सेकंड क्लास होगा। प्लस आपको उसके बाद यहाँ पे 5 घंटे बैठाया जाएगा और यहाँ पे सारी सुविधाएं आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेलेबल करवाया जाएगा। जो कंसर्न्ड स्टडी मटेरियल है वो भी आपको पहले ही दे दिया जाएगा और जो आपके लिए जरूरत होगी वो सब प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही साथ में एक मेंटर भी आपके साथ हमेशा रहेगा, मैं रहूंगा या सुधांशु सर रहेंगे या संदीप सर रहेंगे, आनंद सर रहेंगे, वीरेंद्र सर रहेंगे, या जितने भी हमारे यहाँ फैकल्टी में कोई ना कोई एक फैकल्टी आपका रहेगा। हमेशा कोशिश ये रहेगी कि जिस टीचर की क्लासेज हुई है वही आपके साथ वहां पे बैठे और वो आपको पूरे समय तक गाइड करे। और मेक श्योर किया जाएगा कि एट द एंड ऑफ द डे आप सारा कुछ समझ के जाएं और जो पुराने क्लास में आपको पढ़ाया गया उसका रिवीजन, प्लस इस दिन के जो भी आपके टॉपिक्स हुए उन सबों का रिवीजन करवा के एक तरह से पूरे को टाइमली कंप्लीट करना हम लोगों का एम रहेगा। 15 अप्रैल से बैच हम स्टार्ट करेंगे और 15 जून तक ये बैच चलेगा। 2 महीने का क्रैश कोर्स है, कोई भी दिन छुट्टी नहीं है, इंक्लूडिंग संडे सैटरडे सब आपकी क्लासेस चलेंगी। 60 डेज का क्लास है, 180 आवर्स का प्रोग्राम आपका रहेगा और मेक श्योर किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो इस एग्जामिनेशन में। और ये जो फीस आपकी रखी जाएगी अफोर्डेबल है और जो आपके एक्सपर्ट्स चाहिए, एक्सपर्टाइज टीचर्स हर सब्जेक्ट के अलग अलग है, हिस्ट्री के अलग है, ज्योग्राफी के अलग है, इकोनॉमिक्स के अलग है, पॉलिटी के मैं खुद आपको डील करूंगा, जो भी आपका इसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, उसके लिए भी अलग अलग टीचर आपको अवेलेबल रहेंगे। तो यहाँ पे मेक श्योर किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा। बाकी आप संदीप सर से भी मिल सकते हैं, ये आपको आर्ट एंड कल्चर वर्ल्ड हिस्ट्री आपका गाइड करेंगे, हिस्ट्री में गाइडेंस देंगे। वेलकम संदीप सर। नमस्कार, जैसा कि समीर सर हमारे डायरेक्टर साहब ने आप लोगों को बहुत कुछ बताया, शेड्यूल के बारे में बताया, आगे बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो आगे बताया जाएगा, लेकिन मैं संदीप सर जैसा कि सर बोल चुके हैं हिस्ट्री फैकल्टी के रूप में यहाँ पर हूँ, साथ ही साथ कल्चर की क्लास भी मैं ही लूँगा, वर्ल्ड हिस्ट्री भी मैं ही लूँगा, ठीक है।
तो एक बात को आप जान लें कि समय बहुत कम है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं हो सकता। 60 दिन मात्र हैं आपके पास, जैसा सर ने कहा कि हम लोग 15 अप्रैल से लेकर 15 जून तक इसको कंप्लीट कर देंगे, ताकि आप एकदम आराम से एग्जामिनेशन को कवर कर सकें। फिर एक बात ये भी ध्यान में रखें, केवल हम लोग पढ़ाएंगे ही नहीं, टेस्ट सीरीज बकायदा ऑर्गेनाइज होगी, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इनरोल्ड होंगे उनके टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। यदि कोई बाहर का विद्यार्थी इसको लेना चाहता है तो बहुत ही कम प्राइस में हम लोगों ने टेस्ट सीरीज को ऑर्गेनाइज किया है। आनंद सर जो अभी आएंगे थोड़ी देर में, वो आपको इस बारे में जरूर बताएंगे क्या क्या चीज फी स्ट्रक्चर है, लेकिन यह बात ध्यान रखें बहुत ही कम होगा। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें कि देखिए एक कविता है, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तब समय आ गया है, समय अब आ गया है कि अब जरा भी विलंब न करें, विलंब बहुत हो चुका है। ऑफ ऑनलाइन बैचेस बहुत सारी है मार्केट में, बहुत लोगों को आपने देखा भी होगा, पहली बार ऑफलाइन बैच के साथ हम लोग आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम उन दूर दराज इलाकों के लोगों को छोड़ रहे हैं। याद रखें दूर दराज इलाकों में बैठे हुए लोगों के लिए भी ऑनलाइन बैच अवेलेबल है। और एक बात ध्यान रखें, इतिहास वही लिखा है जो अकेले चला है। भीड़ के साथ रहिएगा तो इतिहास नहीं लिख सकेंगे, चाहे वह जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वह सुकरात हो, चाहे स्वयं महात्मा गांधी क्यों ना। इतिहास वही लिखा है जो हमेशा अलग चला है और स्वयं से निर्णय लिया। आइए जुड़िए वेदांगा आईएएस के साथ में, सबसे बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेगी इस एग्जामिनेशन में। आगे की बात हमारे सर आइए, आनंद सर बोलेंगे और लीजिए इनसे बात कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है? आप सब लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो मैं अपने डायरेक्टर सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक जो खाली पंसा था ईपीएफओ की तैयारी के लिए ऑफलाइन बैच में, अगर आप देखें कोचिंग की दुनिया में जो अभी हाल फिलहाल में एक समस्या है, इनफैक्ट एक चुनौती है, ऑफलाइन बैच नहीं बच्चों को मिल पा रहा, तो उन्होंने ये बात ध्यान में रखी। और ईपीएफओ के एग्जामिनेशन की तैयारी में जो खास महारत हासिल करते हैं, मतलब या जिन्होंने बहुत अच्छा जिनका मतलब रिजल्ट रहा है सुधांशु सर, उनको भी साथ लेकर के आए और आप लोगों के लिए एक तोहफा के जैसा एक बैच मतलब लेके आए। और इस बैच की खासियत क्या होगी कि 15 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट है, 2 महीने में पूरा सिलेबस होगा और जितने भी टॉपिक आपके कंप्लीट होंगे उनका टेस्ट भी होगा, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या सीखा है। सेकंड जो सबसे बेहतर बात क्या रहेगी है ना कि देखिए 2 महीने में 60 दिन में आपका जो है सिलेबस पूरा होगा, टेस्ट आपका होगा, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। और ऑफलाइन में द बेस्ट फैकल्टी आपके सामने होगी, उनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया, आप आइए जुड़िए और कम से कम 2 क्लास जरूर लीजिएगा। आप कहीं भी रहते हो, अगर आप दिल्ली लक्ष्मी नगर आ सकते हैं तो जरूर आइएगा, जरूर आइए, 2 क्लास लीजिएगा और आप अंतर स्पष्ट कीजिएगा। बाकी ईपीएफओ के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं, बहुत शानदार एग्जामिनेशन है, बहुत ही बढ़िया एग्जामिनेशन है, ठीक है, सब जानते ही होंगे। आगे जरा देखिएगा, चलिए देखिए सब लोग जानते ही होंगे है ना, अब कुछ बातें जान लेते हैं। ये बैच ऑफलाइन एंड ऑनलाइन रहेगा, तो जो बच्चे ऑफलाइन देखेंगे, मान लीजिए कभी अगर आप नहीं आ सकते हैं तो ये सुविधा आपको मिलेगी, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। और अलग से ऐसे बच्चे जो दूर दराज में रहते हैं उनके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था भी, ठीक है। चलिए लक्ष्मी नगर में है, आपको बता दिया मैंने, मेट्रो के पास में, पूरा एड्रेस आपको मिल जाएगा, बस आपको मन बनाना है और कम से कम 2 क्लासेस आपको करनी जरूर है, ठीक है। देखिए क्या क्या रहेगा इस कोर्स में, क्या क्या चीज़ें होंगी वो आप एक बार नज़र डाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए ड्यूरेशन पहले बता दिया है, 60 डेज का है, ये क्रैश कोर्स आपका है और 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 15 जून तक चलेगा। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखिए क्या पढ़ेंगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेंगे, संदीप सर आपको कराएंगे, उसके बाद करंट इवेंट्स की अगर बात करेंगे, करंट अफेयर्स की बात करेंगे, डेवलपमेंटल जो इशूज़ हैं, जो विकास कार्यक्रम हैं वो भी कराए जाएंगे और ये दोनों सेक्शन मैं आपको कराऊंगा। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी की बात करें तो ये भी आपका सिलेबस शामिल है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी की अगर बात करें तो डायरेक्टर सर खुद कराएंगे एंड इंडियन इकोनॉमी को मैं डील करूंगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जो जनरल अकाउंटिंग और प्रिंसिपल्स हैं ये आपको सुधांशु सर कराएंगे। जनरल साइंस एंड नॉलेज की बात करें है ना, जो सामान्य विज्ञान आपका होता है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करेंगे तो ये भी आपको अलग से करा, मतलब आप एक चीज़ देखिएगा हर टॉपिक का टीचर आपको अलग अलग मिलेगा, करेक्ट है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मान लिया अगर नोट्स बनाते समय कुछ मिस हो गया तो PDF भी आपको मिलेगा, तुरंत आप डाउनलोड करेंगे तुरंत, जैसे आज का अगर जो भी लेक्चर रहा उसका PDF भी आपको मिल जाएगा,
ताकि पर जाए एक बार रिवीजन भी आप कर पाए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, तो अब इसके बाद के क्लासेस के बारे में आप देखिए, मिनिमम 3 आवर्स की ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास रहेगी, ठीक है, ये आपको याद रखना। वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा वो आपको मिलेगा, प्रिंटेड नोट्स भी आपको मिलेंगे। अगर आप क्लास में आते हैं तो आपके पास कुछ हैंडआउट्स भी आपको मिलेंगे, प्रिंट फॉर्म में कुछ नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, ताकि आप क्लास में बैठ करके रिवीजन भी अपना कर ले या उस पर कुछ नोट कर सकते। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो असलियत में रियलिटी में आपको क्वालिटी चेक देगी, 20 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, ये मोर देन सफिशियंट रहेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर जो स्कोर होगा उससे आप अपने बारे में बेहतर चीज़ें चेक कर सकते हैं, कहाँ पर कमी है। एवरी डे डाउट सेशन रहेगा, एक फैकल्टी आपको डेली मिलेगी। इसीलिए इस बैच का नाम क्या, वास्तविकता अगर देखें तो ये द्रोणाचार्य बैच हमारा है। द्रोणाचार्य मैंने क्यों इसमें बोला, क्योंकि एक फैकल्टी हमेशा आपको मिलेगी। जब भी आप बैठेंगे करीब करीब 6 से 7 घंटे की सेटिंग आपकी रहेगी, 3 घंटे क्लास चलेगी, 3 आवर्स में आप अपना जो भी प्रैक्टिस करेंगे, अगर कोई डाउट होता है उसके लिए आपको एक फैकल्टी यहाँ पर मिलेगी, आप उससे जुड़िएगा, ठीक है। तो चलिए, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इस बैच के बारे में। बाकी कोचिंग के बारे में अगर आप देखेंगे, अच्छा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना, क्योंकि देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जब ये हम लोग लेंगे या सिलेक्शन आपका होगा यही काम आपको डील करना है, पैसे का ही है ना। ऑफलाइन की फीस देखिएगा 15,000 रुपये, ठीक है, और ऑनलाइन की कितनी है, ये आपका 2100। ये दो कम फीस का कारण क्या है, मन में आपके डाउट अगर आता कम फीस क्यों है, कम फीस इसलिए ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लाखों रुपए नहीं दे सकते, ठीक है ना, तो उनके लिए व्यवस्था की गई है, आप लोग एक बार जुड़िएगा जरूर, ठीक है। 15,000 ये ऑफलाइन की फीस है, करेक्ट है ना। रजिस्ट्रेशन आपके ओपन हो गए, मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। बैच की ओपनिंग जो डेट है वो 15 अप्रैल मैंने बताया, और 15 अप्रैल और 16 अप्रैल ये दोनों जो क्लासेस रहेंगी ये ओपन फॉर ऑल, आप कहीं भी पढ़ते हो उससे मतलब नहीं, एक बार आप आइएगा जरूर, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ये आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट का नाम है, मतलब ये कोचिंग है, इसका पूरा एड्रेस है लक्ष्मी नगर। जब आप आएंगे लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन आएंगे, आप यहीं नीचे उतरेंगे, जस्ट मेट्रो के नीचे ही कोचिंग है, और आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म आज शाम से ओपन हो गए हैं, आप लोग आइएगा एक बार, अपना जो पंजीकरण है वो प्रोसेस कर लीजिएगा, और जैसे ही बैच स्टार्ट होगा आपको फ़ोन कर दिया जाएगा। 15 और 16 की क्लास सबके लिए है, ओपन फॉर ऑल, तो प्लीज़ एक बार आए और ज्वाइन जरूर करें। जय हिंद एवरीवन, और आई होप कि ये सेशन ये क्लास आपके करियर में जो है बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगी। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।